हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू कुछ भी व्लॉग्स। तो आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं घाटकोपर की फेमस खाओ गली में। तो आज है, आज का चैलेंज सिंपल है। आज क्या कर रहे हैं हम, कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 100 रुपीज चैलेंज इन घाटकोपर खाओ गली के। 100 रुपीज में क्या क्या खा सकते हैं, कितना पेट भर सकता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड आप लोग महावीर नगर में किया था। एंड आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया था उस वीडियो को, और हमें पता चला कि घाटकोपर खाओ गली बहुत फेमस है। तो हमने कहा चलो देखते हैं कि जेन्युइन अच्छा है, क्या है, कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी। चलो तो दोस्तों, खाओ गली एंटर कर चुके हैं एंड यहाँ बहुत भीड़ है, और हम ढूंढ रहे हैं कि अब हम 100 रुपये में क्या क्या खा सकते हैं। फिलहाल तो पानीपुरी दिख रही है सब जगह पे। हम पानीपुरी खाते हैं, कुछ नया खाते हैं ना आज। पास्ता देखो, हमारा एंटर करते ही पानीपुरी पास्ता ही देखिए। पानीपुरी है अलग अलग वाली, आजकल ये तो हर जगह मिले अलग अलग पानीपुरी पास्ता। रिद्धि यार कुछ तो खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, क्या खाएंगे? मतलब मेरे को ऐसा लगता है पहले तो सब्जी का प्राइस पूछना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आज तो बजट कंस्ट्रेंट है। 100 रुपये में कर रहे हैं। तो आज हम चालू करेंगे डाबिली से। डाबिली एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसमें ये मसाला किस चीज़ का बनता है पता नहीं। चालीस रुपए की एक ढाबेली गाइस। ये नहीं आएगा हमारे बजट में, अगर ये खा लिया तो फिर बाद में पेट नहीं भरेगा। चालीस तो गाइस हमने पहला ले लिया ढाबेली, महंगी बट क्या करें, हम भूख लग गई है। तो ये 40 रुपीज़ की ढाबेली है, तो 40 रुपये हो गए हमारे यहाँ। सॉरी, और मसाला बहुत उड़ रहा है यहाँ पे, मसाला बहुत उड़ रहा है। तो चलो एक चीज़ तो खा ली हमने अभी 40 में, अब हम लेंगे 60 में, देखते हैं क्या आता है। मेरे को लगता है आज यहाँ पेट नहीं भरेगा। महावीर नगर की याद आ रही है मुझे। मुझे भी याद है, मुझे भूख भी लग रही है। तो ट्राई कर, वहाँ पे सबसे चीप आइटम मिला था वो 20 रुपये में खिंचिया पापड़, जो अच्छा था। अच्छा भी था यार वो खिंचिया पापड़। यहाँ पे तो देखते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत मस्त आई थी वो वीडियो। गाइस मन तो पास्ता खाने का था, बट इसकी पास्ता की स्टार्टिंग ही 130-140 रुपये है। पास्ता भी नहीं खा पाएंगे आज हम, तो अब क्या खाएं यार। 40 रुपये हमारे गए। ऑनलाइन पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैश रिद्धि महारानी बैग में छोड़ के आ चुकी है, तो स्कैनर से करेंगे। तो गाइस आज ये दोनों 40 रुपये हो गए बन के आए। देखो आवाज़ सुन रही होगी, 40-40 हो चुके हैं। ये ट्विन बन के आए, देखो रेड पेन। अभी बचे 60 है। लव बर्ड्स, लव डियर। अभी पूछते हैं फ्रेंकी कितने की है। फ्रेंकी होगी ये भी 30-40 की, पूछो फटाफट। फ्रेंकी है वहाँ पे, पीछे भी तो है चीज़ी पास्ता है सब कुछ। और यहाँ भी और दुकान भी है, देखो मोमोज वोमोज सब कुछ है। तो ट्राई करते हैं, तो बजट में नहीं अपने 80 की फ्रेंकी, महंगा है रे खाओ गली, ये बहुत महंगा है। मेरे को महावीर नगर याद आ रहा है, शायद हम सबको महावीर नगर याद आ रहा है। इधर महंगा में देखो बहुत सारे लोग खड़े हैं भाई, हमको तो बहुत स्ट्रगल में हो रहा है। यहाँ पे कुछ सस्ता मिल नहीं रहा है। यहाँ सस्ता नहीं मिल रहा वो अलग बात है, बट यहाँ पर देखो वहाँ पे कुछ बट वैरायटी बहुत है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो देख के आते हैं क्यों खड़े हैं, हम भी खाएंगे वो चीज़। मैंने अभी तक कहीं पे भी कैनपी चाट नहीं देखा, यहाँ पे कैनपी वो चीज़ भी ट्राई करेंगे, बट पहले 100 रुपये वाला देखते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, क्या है? सब्जी ले रहे हैं यार शायद। नहीं पानी पूरी, यूनिवर्सल चीज़ पानी पूरी। तो चलो अब पानी पूरी ही खा लेते हैं हम लोग भी, चलो पानी पूरी के लिए। तो दोस्तों अब हम दूसरी चीज़ खा रहे हैं जो पानी पूरी है। 30 रुपीज़ ओनली पानी पूरी है। बिस्लेरी पानी में बनता है, पानी में बनता है, कितनी अच्छी होती है यहाँ की पानी पूरी। चलो दिखाओ पानी। तो अभी तक कितना खत्म हो गया? 40+30 70 खत्म हो चुका है। 70 रुपये में इतना कम आया, मीडियम देना। फालतू की भीड़ थी, एकदम ही बेकार पानी पूरी हो रही है, मज़ा नहीं आया। 30 रुपये भी बर्बाद हो गए, 70-80-90 100 बस 30 बचे हैं हमारे पास, अब 30 रुपये बचे हैं और ये 30 बर्बाद हो गए, ना पेट भरा ना कुछ। घाट के ऊपर ही खाओ गली बहुत महंगी है, इसका मतलब क्या कहते हो? पानी पूरी बहुत ही बेकार थी। और खाओ गली कैसी आएगी, बहुत महंगी और वो नहीं है, वैरायटी है पर बहुत महंगी है, कॉस्टली। तो 30 रुपये में देखते हैं क्या खा सकते हैं। चलो पानीपुरी का 30 रुपये इज़ वेरी कॉमन एवरीवेयर, तो वो ठीक था। बाकी हमने फ्रेंकी पूछा,
हमने फ्रैंकी पूछा, फ्रैंकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव 80 रुपीज़, दाबेली 40 रुपीज़, यूजली दाबेली 20 रुपये में आ जाती है। तो कुछ चीज़ें जो हमने देखी अभी तक वो बहुत महंगी लगी। और ये 30 रुपये पेमेंट करते हुए हम पासवर्ड देख दो, 70 खत्म हो चुका है, 30 रुपीज़ इज लेफ्ट। मेरे पासवर्ड तो नहीं दिखाना तुम्हें, गया भैया पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, पैसा चोरी हो जाएगा, करोड़ों की संपत्ति है। देखो दोस्तों पूरी खाओ गली घूम ली, हमें कुछ भी नहीं मिला है। फाइनली हम खाने खींच लिया और हमारे पास सिर्फ 30 रुपये बचे थे, तो हमने सोचा अब लास्ट में कुछ भी नहीं है, ये ही खा सकता है, तो खिचिया खाएंगे जो 320 रुपये वाली है। तो हम 30 रुपये की खिचिया ही खा सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा सस्ता, और हमें भूख भी लग रही है, घर भी जाने की। हमारा खिचिया पापड़ रेडी हो रहा है फाइनली, भूख तो बहुत लगी है। यहाँ से होके वहाँ पहुँच चुका है, खिचिया पापड़ आ चुका है, खिचिया पापड़ खा रहे हैं और भूख भी बहुत लगी थी, बट टेस्ट गजब है, गजब टेस्ट है। खत्म करते हैं इन खाने के बाद बताते हैं इस खाओ गली के बारे में। और ये हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं 30 रुपीज़ की। पिन नहीं दिखाऊंगा, करोड़ों की संपत्ति ले लोगे तो आप लोग गॉड में लोग नहीं। 30 रुपीज़ हो चुके और ये 100 रुपये हो गए हमारे। 100 रुपये में क्या खाए, दाबेली एक प्लेट, पानीपुरी और खिचिया। चलो सबसे बेस्ट खिचिया ही था। गाड़ी में रिव्यू बताते हैं, 100 रुपये का खाना खा लिया हम लोग, बहुत कष्ट के बाद और बहुत ढूंढने के बाद हमको 100 रुपये में सिर्फ 3 आइटम मिले, और जिससे हमारा पेट बिल्कुल नहीं भरा। नहीं भरा है, थोड़ा सा तो भरा है, जिसमें पानी पूरी एकदम ही बेकार स्वाहा थी। जिस हिसाब से बहुत लोग है उस हिसाब से तो यार, मतलब जैसा रिव्यू था कि सब लोग कहते यहाँ की खाओ गली बहुत अच्छी है। वो कहावत सुनिए ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, सेम हो गया। बट मेरे को ऐसा लगता है अपन सिर्फ 100 रुपीज लेके आए। अब इनको देखो गाड़ी लाल सब रेड करके आए, क्या चल रहा है ये। नहीं बट एक चीज है, यहाँ पे वैरायटी बहुत कुछ थी, लेकिन हमारा चैलेंज 100 रुपए वाला था, इसलिए हमारे पास लिमिटेशन थी। बट ये महंगा था यार, वैसे जैसे ढाबीली 20 की आती है 40 था, हर चीज मतलब थोड़ा ज्यादा रेट है। पानीपुरी पास्ता जैसे 150 से शुरू था, ये पास्ता तो ठीक था, उतना रेट तो ठीक है। मेरे हिसाब से अगर अपने पास पैसा होता तो अगर ये चैलेंज नहीं होता तो शायद हम आपको और वैरायटी खिला के दिखा सकते थे, लेकिन फिलहाल चैलेंज के कंस्ट्रेंट के कारण हम भूखे घर जाएंगे, घर पे खाना खाएंगे। यस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, वो बोलने के लिए। बाय गाइस, बाय बाय।